अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि आप ही का फ़ायदा होगा। आपको हर जॉब की न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बर मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वो खुशखबरी क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी असामियाँ आई हुई हैं, तो उस पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। ये देखो, महकमा सेहत में मुलाजमत के मौके मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तनख्वाह जो उसकी है 27,000 है, माशाल्लाह अच्छी खासी तनख्वाह है। और तालीम जो है मिडल मेट्रिक इंटरमीडिएट है। तो इसका जो एड है उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, वो एड है इसका जो वॉक इन इंटरव्यू, ज़िला सांगड़ा में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ रोज़ाना वजीफा ह्यूमन रिसोर्सेज की अर्निंग है। तो इस पे जो तफसील है वो मैं आपको बताता हूँ। रोज़ाना वजीफे के साथ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर हुनरमंद और मामूनत करने वाले ह्यूमन रिसोर्स को मसरूफ़ करने के लिए वाक इंटरव्यू किया गया है। तो इसकी जो मरखा 7/10/2021 है, कैटेगरी क्या है, थर्ड फोर्थ और फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट जो हैं MBBS के, तो वो 7/10/2021 वो वक्त 10 बजे शाम 5 बजे तक वो दरबार हाल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सांगड़ा में तशरीफ़ लेके, तो उधर वहाँ अपना ये सब कुछ उनका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा और उनको भर्ती किया जाएगा। तो ये देखो, नर्सिंग स्टूडेंट, वेटरनरी ऑपरेटर और जनरल पब्लिक वाले उम्मीदवार जो हैं असल अपनी दस्तावेज़ CNIC तालीमी सर्टिफिकेट डोमिसाइल तजर्बा सर्टिफिकेट लाजमन हमरा लाएँ। तो उम्मीदवारों को COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमन हमरा लाएँ। उसका कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के हेड से सर्टिफिकेट हमरा लाएंगे। तो जो उन्होंने नोट दिया है वो नादरा COVID-19 की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और फेस मास्क के बगैर उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तरफ से उन्होंने ये ऐड शो किया हुआ है। तो जो उम्मीदवार इस पे इंटरेस्ट रखते हैं और इस जॉब में हासिल करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी ये जॉब हासिल कर सकते हैं अप्लाई करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।